दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए ज्योमेट्री की क्लास 18th लेके आए हैं। हमने 17th क्लास आपको ज्योमेट्री की बताई थी। 17th क्लास में हमने आपको सर्किल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज थी वो बता दी थी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे उन्हीं के साथ साथ, प्रॉपर्टी के साथ साथ। आज हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज तो लगभग सारी सर्किल्स की खत्म हो गई थी, आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस का पहला एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला एक क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन, जरा देखिएगा क्या है क्वेश्चन, मैं नोट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे यह एक सर्किल है, ये इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया गया है PQRS, ठीक है। ये इसका सेंटर है और यहां से एक ट्रायंगल खींचा गया जो इसके सेंटर को होके जाता है, यहां से एक ट्रायंगल खींचा गया जो उसके सेंटर को होके जाता है। ऐसे एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एंगल कह रहा 95 है, ये एंगल कह रहा x है, ठीक है, और ये एंगल कह रहा 30 डिग्री है। तो आपसे ये इस x है वैल्यू पूछ रहा है, अब आपको x की वैल्यू बतानी है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, कैसे करेंगे। हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन में कि ये एक सर्किल है, इस सर्किल में ये एक कॉर्ड है, क्या है, एक कॉर्ड PQ। इस PQ कॉर्ड से हमने आपको ये बताया था, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी सर्किल है, इस सर्किल के अंदर अगर एक जीवा कॉर्ड खींचे और इस कॉर्ड से जितने भी एंगल उस सर्किल में बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल, मतलब ये एंगल आपस में इक्वल होता है, ये तो बताया था। तो वही चीज यहां पर भी है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। देखो PQ एक लाइन है, इस PQ से एक एंगल ये 30 डिग्री बनाया गया PRQ, ये और इसी PQ से PSQ बनाया गया। देखो तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मेरे से ये कितना होगा, ये 30 डिग्री हो गया, हो गया, ये 30 था तो ये भी 30 हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखें PSQ, ये 95 ये 30, ये निकाल दो, हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 95 और 30 कितना हो गया, 120 और 125 और उसमें से माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 55। इसको माइनस करेंगे 180 से तो ये जाएगा 55। समझ में आ गया ना आप लोगों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, अगला मैं क्वेश्चन नोट करता हूं। एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रायंगल है ए बी, एक ए डी लाइन खींची, एक ए डी कॉर्ड है, उसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। ये ए डी एक कॉर्ड है, ये ए है और ये डी है, ठीक है। ए डी एक कॉर्ड खींची गई है, ए डी कॉर्ड के बाद क्या है, इसमें से ये सेंटर बोल दिया और यहां से एक लाइन खींची गई, इसको बी, ए बी, ठीक है। आगे क्या है, इस एडी से इसको मिला दिया गया, ओके, ये डी पॉइंट हो गया। और इसके बाद यहां पे कहीं एक सी पॉइंट है, इसको इससे मिला दिया गया, और इसके बाद कह रहा है कि इस लाइन को, ठीक है, इसके बाद कह रहा है इस लाइन को इस लाइन से मिला दो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये एक सी पॉइंट है यहां पे, ये यहाँ पे एक सी पॉइंट है, तो इस लाइन को इस सी से मिला दिया और इस डी को इस सी से मिला दिया, ऐसा फिगर बना हुआ है। अब इस फिगर में क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये एक्स की वैल्यू है, इसकी बताओ, और ये वाई है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। और गिवन क्या क्या है, इसमें कह रहा है कि जो ये एंगल है वो 38 है, बस इतना गिवन है, ये क्वेश्चन दिया है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एक बताया था कि एक प्रॉपर्टी की एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर अगर ये डायमीटर है, ये डायमीटर सर्किल के सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर जिसने हमारी ये प्रॉपर्टीज नहीं देखी है
वो क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, सारे एग्जाम में पूछे हुए एसएससी में पूछे क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था वो 2013 एसएससी सीजीएल 2013 प्री का क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉर्ड है तो ये एंगल अगर 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा, 38 होगा, सॉरी होगा, अभी हमने बताया ये कॉर्ड जितना एंगल यहां बनाएंगे उतना एंगल यहां बनाएंगे। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब आपको अभी हमने बताया कि कोई डायमीटर होता है वो सर्कल पे पूरा एंगल कितना बनाता है, ये 90 डिग्री का, ये पूरा एंगल कितना होगा 90 हो जाएगा, 90 ये पूरा एंगल 90 होगा ना, यहां पर ये 90 होगा। अब आपको पता है ये पूरा 90 ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो 90 और 30 ये हो जाएगा 120 टोटल, और उसमें से 180 से माइनस कर देंगे तो 180 से अगर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 7 से 2 जाएगा 5, ये 52, ये तो एंगल निकल आया 52। यहां तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, ये एंगल 38 कैसे आया, जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि ये एक एडी कॉर्ड है, एक कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे जितना 38 यहां पर बनाते उतना यहां पर बनाएगा, जितना यहां उतना यहां, और ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो ये 38 ये तो आ गई। अब वाई की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब वाई कैसे निकालेंगे इस चीज को जरा बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर ये एक क्या है डायमीटर है बी डी सी, तो डीसी अगर हम डायमीटर ले लें तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, और ये 38 तो इतना एंगल कितना होगा, इतना सिर्फ 52 होगा ना, 52 ये 90 ये 38 ये 52, तभी तो ये ट्राइंगल बन के पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और हमें पता है ये 52 है ये पूरा 90 है, तो उसमें से 52 से ये 90 निकाल दें, है ना, 52 से अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 38। समझ में आ रहा है ना, ये 38 आ जाएगा आगे वाई की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था आपको, समझ में आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, पूछा हुआ जैसे सीजीएल का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता तो कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये एक सर्किल है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तभी कर पाएंगे। ये एक सीकेंट खींची गई है पी क्यू, यहां पे टी, इसी तरह यहां से आर एस और इसको मिला दिया। ठीक है, इस तरह से एक सेकेंड खींची गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 8, इसकी वैल्यू दी गई है 9, इसकी वैल्यू दी गई है 11, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब आपको ये प्रॉपर्टी, ये इस तरह का फिगर बना, अब आपको अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल है कि टी टेंजेंट से टी क्यू क्या होती है प्रॉपर्टी, जो टी क्यू होता है वो इक्वल होता है टी क्यू इक्वल्स टू टी पी, सॉरी टी क्यू मल्टीप्लाई टी पी इज इक्वल्स टू टी एस मल्टीप्लाई टी आर, टी एस मल्टीप्लाई टी आर, वैल्यू रखो बस, टी क्यू 9, टी पी 9×17, टी एस 11 और टी आर 11+x। ठीक है, ये 11 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 9×17/11। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आप तक, चलिए इसको अपॉन में लाने की प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन में लाएंगे तो आएगा नहीं, 17×9 सीधे हो जाएगा 153, ऐसे कर लें 17×9 153 और इधर हो जाएगा 11×11 121+11x, ये इधर आ जाएगा, माइनस कर लो इसको तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आता, चलिए ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये 3 से बन जाएगा 2 बचेगा, 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, इधर हो जाएगा 11x, x की वैल्यू निकालो तो 32/x11 डिवाइड कर लेंगे आंसर आ जाएगा, यही होगी x की वैल्यू, पॉइंट में लगभग वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ गया ना। तो
तो ये था एक आंसर क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको करना है। ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो ये सब प्री के क्वेश्चन थे जो एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। इसको मैंने बेस कर दिया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चीजी सा क्वेश्चन है उसी तरह का। ये एक सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल के अंदर ये बोल रहा है कि ये एक सेंटर है और ये एक टेंजेंट खींची गई, ठीक है। ये एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट से यहां पे एक सेकेंट खींची गई, ऐसा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है, ये जो सर्किल है इस सर्किल से इस पे एक वो रेडियस खींची गई, इस टेंजेंट को जहां पे टच करती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको पता है ये 5 है, इतना गिवन है। और क्या है कि कह रहा है इस जहां पे ये जहां से ये टेंजेंट खींची गई है, इस पॉइंट को हमने टी समझ लिया, इसको पी, इसको आर, इसको एस, ऐसे समझ लिया। और यहां से एक लाइन ऐसे खींची गई है जो इस सेंटर को टच करती है, इस लाइन को इसने बोल दिया 13 है। अब आपको इसकी वैल्यू कह रहा है एक्स है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कह रहा है 7 है आर इसकी, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब कह रहा है निकालो पीटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पीटी की वैल्यू क्या होगी, सॉरी। अब आपसे ये कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या, पीटी नहीं, पीटी तो हमें पता ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ये एक्स की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा सेम क्वेश्चन है। अब आपको ये पता है कि सेंटर से जब इस टेंजेंट जहां पे मिलती है वहां पे जब मिलाते हैं तो ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपरटेन्यूस, हाइपरटेन्यूस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ये अगर वैल्यू निकाले तो ये 13 है, ये 5 है, हाइपरटेन्यूस स्क्वायर और इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे 12, ठीक है। हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये तो आपको बेसिक पता होगा ना, क्वेश्चन किया कैसे जाएगा इस चीज ये तो आपको पता होगा ना। अब इसको सॉल्व करके हम दिखाएं आपको, तो ये तो एसएससी सीजीएल में है आप लोग, ठीक है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो बेसिक पता होगा ना कि इसको सॉल्व कैसे करके आया आता है, क्वेश्चन करना कैसे है, इस चीज को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने समझा दिया कि कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आ जाएगी 12। चलिए अब अगर यहां तक आप आ गए कि ये निकल आई, तो ये पीटी की जो वैल्यू है, पीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये है टीआर और ये है आरएस। तो आपको ये क्या होती है कि जो टेंजेंट का स्क्वायर होता है वो सीकेंट का, यानी कि टीपी, ये प्रॉपर्टी है टीआर इंटू टीएस, इसके इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी पहले तो पता होनी चाहिए थी, जिनको पता होगी वही कर पाएंगे। अब हमें वैल्यू रखनी, बस रखो, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर मीन्स 144, टी आर मीन्स एक्स और ये टी एस मतलब एक्स प्लस 7, मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। अब यहां पे एक्स सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, बस वही आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया ना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन थे, अभी हम और क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, ठीक है। ये तो सीधे प्रॉपर्टी पर था, ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी से चेंज था, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी गई थी, तो आपको अगर पता नहीं होगा तो आप कर नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये एक क्वेश्चन है कि ये दिया है कि ए आर एक टेंजेंट है और बी आर एक टेंजेंट है, ये एंगल कह रहा है 70 डिग्री का है, तो आपसे इस एंगल को पूछ रहा है, बताओ कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस एंगल को कैसे निकालते हैं। अब आपको पता होगा कि ये एक टेंजेंट है, ये एक सेंटर है, इस सेंटर से जब इसको हम टच करेंगे इसको मिला दिया और इस सेंटर से इसको मिला दिया, तो सेंटर से जब रेडियम सेंटर से जब टेंजेंट को टच कराते तो वहां पे एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो आपको डायरेक्ट ऐसे पता होना चाहिए कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन चारों एंगल्स का सम 360 होता है, ये तो आपको वैसे भी पता होगा। तो आपको अगर नहीं भी पता है तो आप डायरेक्ट याद रखो कि इस रेडियस से, इस रेडियस से जब इसको टच करते हैं तो इन दोनों एंगल्स का अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री भी होता है,
यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह, तो ये हो गया 110 डिग्री, अगर दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये 70, ये 110। और हमें ये पता है कि सेंटर पर जितना भी एंगल कोई भी कॉर्ड बनाती है, ये कॉर्ड है सपोज कर इसको मिला दिया, तो ये कॉर्ड सेंटर पर जितना एंगल बनाती है सर्कमफेरेंस पे उसका आधा बनता है, मींस यहां पे कितना होगा 55, यही आंसर, ठीक है। कितने सेकंड का क्वेश्चन था, 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन था, 70 110 110 का आधा 55 हो गया, लगा दिया। लेकिन सारी प्रॉपर्टी जब तक रटी नहीं होंगी तब तक क्वेश्चन कर नहीं सकते हम ये लोग, ठीक है। चलते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी, ये 50 डिग्री का है, ए डी ई, ये एंगल 20 डिग्री का है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, निकालना क्या है, कह रहा है सी डी एफ बताओ, सी डी एफ ये वाला एंगल, सॉरी ये एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये तो पता होता है कि ये अगर 20 डिग्री का एंगल है, ये 50 डिग्री का, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, तो ऐसे समझ लो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उनमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 50 130, ये तो हो गया इजी था, ठीक है, ठीक है। और ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री, ये 130, ये 20, 150, 150 कर, तो ये हो जाएगा 30, बस हो गया, ठीक है। मैंने देखा नहीं, क्वेश्चन इजी था, हमने सोचा इसमें अल्टरनेट सेगमेंट वाला क्वेश्चन होगा, तो वो नहीं था, ठीक है। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन, सॉल्व हो गया ना, इजी था क्वेश्चन था, सी डी एफ बताना था, हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगी थी इसमें, वो पता होनी चाहिए थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे क्वेश्चन देते हैं, इसको इरेज करो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि ये एक सर्किल है, ये एक सेंटर है, और टेंजेंट पी टी और पी क्यू टी क्यू खींची गई। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ बताओ, अगर ओ टी की वैल्यू 13 है और ओ ई की वैल्यू 5 है, मीन्स रेडियस, इस सर्किल की रेडियस 5 है, और सेंटर से और जहां से टेंजेंट दोनों खींचे गए हैं वो 13 है, ए बी की वैल्यू पूछ रहा। अच्छा सा क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन है, 2016 मेंस सीजीएल, सीजीएल का, ठीक है। देखिएगा करेंगे कैसे, आपको ये पता है ये पूरी लेंथ 13 है और ये 5 है, कौन सी ये रेडियस है ना 5, हमने कहा था रेडियस 5 है, ये 13 है, ये रेडियस 5 है, और आपको ये पता है ये 90 डिग्री का एंगल हो, तो ये हाइपरटेन्यूज, ये हो गया बेस या परपेंडिकुलर समझ लो, तो ये हो जाएगी 12, यहाँ तक समझ में आ रहा ना, तो हाइपरटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे यहां तक निकल आई, लेकिन हमें ये तो नहीं निकाली, हमें निकालनी ए बी। अब यहां तक समझ में आ गया ना आप लोगों को, चलो अब ध्यान देते हैं जरा, अगर ये पूरी 13 है और ये इतनी 5 है, इतनी यहां से यहां तक 5 है, तो ये बची कितनी 8, ये भी पता चल गई, और ये जो लाइन खींची गई है ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, सीधे परपेंडिकुलर खींची गई, तो ये मैं से याद भी रखना, ये जो टेंजेंट ही तो है, जो टेंजेंट जो होगी ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, चलो यहां तक हो गया। अब हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी, ए बी, ए बी की वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले हम ए ई निकाल दें, तो ए ई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा पी ओ टी, जो ये ट्रायंगल है पी ओ टी, कौन सा ट्रायंगल पी ओ टी, पी ओ टी बड़ा वाला, फिर एक ट्रायंगल है ए ई टी, फिर ट्रायंगल ए ई टी, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ कर दें, सिमिलरिटी हमने पढ़ाई थी, तो आपको वही चीज यहां पर करेंगे, ध्यान दीजिएगा इन दोनों को, अगर हम ये दोनों क्या सिमिलर है ही है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल दोनों में है, ठीक है, तो और ये एंगल और ये एंगल ये दोनों में कॉमन है, तो दो हमने कहा था कि प्रॉपर्टी बताई थी सिमिलरिटी की, दो एंगल अगर हम आपस में इक्वल प्रूफ कर दें दो ट्राइंगल्स के, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर कैसे हो गए, इस ये एंगल और इस एंगल के इक्वल है, पहली चीज, बड़े वाले ट्रायंगल का ये 90 डिग्री, ये छोटे वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री, बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल दोनों कॉमन है, तो दो एंगल इक्वल मतलब सिमिलर है,
अब अगर ये सिमिलर है तो इसमें सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस पे ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने ली हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस के सामने ली, ये ले रहे हैं, इसको चाहे बेस समझ लो। तो अगर ये हम बेस है ये ले रहे हैं पीटी, पीटी ले लिया बड़े वाले ट्राइंगल की, और ये बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, तो इसको हम कहते हैं पीओ। ये दोनों तो ले लिया, बड़े वाले ट्राइंगल में ले लिया। अब छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो इसमें भी नहीं लिया था ना, हाइपोटेन्यूस तो ये थी, तो हाइपोटेन्यूस इसमें भी नहीं लेंगे, ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस तो ये वाली साइड लेंगे ना, तो ईटी लेंगे, ईटी जैसे यहां पर पीटी लिया था वैसे ईटी अपॉन ये, इसमें भी ये परपेंडिकुलर हाइट ली थी तो इसमें ये भी हाइट ए। ये समझ में आ गई, ये थ्योरम हमने पढ़ाई थी, अगर आपने नहीं समझी होगी तो समझ में नहीं आएगा वहां पे, यहाँ पे मैंने समझा दिया। वैल्यू को पीटी, पीटी की वैल्यू क्या है 12, पीओ, पीओ की वैल्यू क्या है 5, ईटी, ईटी की वैल्यू क्या है 8, और एई, एई की वैल्यू का तो ये इधर चला जाएगा, तो एई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 8/12, कट करेंगे 4 × 2 = 4, 3 ये हो जाएगा 10/3, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई क्या, 10/3। ए की वैल्यू अगर 10/3 है तो जितनी ए होगी उतनी ही ई बी होगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू अगर निकालें तो 2 × 2 ae means 2 × 10/3 means 20/3 काम खत्म, यही आंसर होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, क्लास नंबर 18। अगली क्लास हम क्लास 19 लेके आएंगे, उसमें भी सर्किल के संबंधित कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम करेंगे। इसके बाद हम सर्किल खत्म होने के बाद थोड़े से क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद फिर जो बच, फिर इसके बाद जो क्लासेस आएंगे उसमें हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो कल जो क्लास आएगी उसमें हम आपको सर्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बचे हुए उनको खत्म करके फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। दोस्तों अगर ये आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।